इसरो के पूर्व डायरेक्टर डी शशि कुमार ने कहा है कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से संपर्क टूटने की वजह जरूरी नहीं उसका क्रैश होना ही हो। उन्होंने कहा कि मुझे ये क्रैश लैंडिंग का मामला नहीं लगता है क्योंकि लैंडर और ऑर्बिटर के बीच कम्युनिकेशन चैनल ऑन है। उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन के मिसिंग डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। शशि कुमार का बयान बताता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन दोबारा जुड़ने की संभावनाएं अभी भी बची हुई हैं। इसरो के पूर्व चीफ डी शशि कुमार ने बताया कि डाटा देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है या फिर क्रैश लैंडिंग। मेरा अनुमान है कि विक्रम अभी सुरक्षित है, हमारा संपर्क ऑर्बिटर से बना हुआ है। हमें कुछ भी नतीजा निकलने से पहले आंकड़ों के अध्ययन किए जाने का इंतजार करना चाहिए। बता दें कि चंद्रयान 2 मिशन के तहत चांद पर भेजे गए लैंडर विक्रम का संपर्क भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों से लैंडिंग से पहले ही टूट गया था। इस पूरे मिशन के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के कंट्रोल सेंटर से देश को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों से कहा कि आप सभी को आने वाले मिशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरा आप पर विश्वास है, मुझसे भी आपके संकल्प बहुत गहरे हैं। आप अपने आप में प्रेरणा का समुद्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन भारत माता की जय के उद्घोष के साथ खत्म किया। संबोधन के बाद प्रधानमंत्री ने सभी वैज्ञानिकों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं अपने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के परिवारों को भी सैल्यूट करता हूं। हम मक्खन पर लकीरें खींचने वाले नहीं बल्कि पत्थर पर लकीरें खींचने वाले हैं। उन्होंने कहा कि साथियों, परिणाम अपनी जगह है लेकिन मुझे और पूरे देश को वैज्ञानिकों और इंजीनियरों पर पूरा गर्व है। मैं आपके साथ हूँ, पूरा देश आपके साथ है। द डेली न्यूज रूम की रिपोर्ट।